हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ मीडियन एडी। हमें यहां पर एक ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसका नाम हमने रख लिया है ए बी एंड सी। यहां हमें एक मीडियन भी दी गई है ए डी, तो ये D मिड पॉइंट हम मान लेते हैं और AD मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। इस AD मीडियन पर E मिड पॉइंट दिया गया है, तो इसका मिड पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिया है। ओके, तो ये E जो है वो AD का मिड पॉइंट दिया गया है। एंड नाउ हमें यहाँ पर शो क्या करना है, शो दैट एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। तो BED की बात यहाँ पर की गई है, तो हमें B से E को ज्वाइन करना होगा। अब ये जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ है BED, इसका एरिया हमें पूरे ट्रायंगल के एरिया का 1/4 है, ये प्रूव करना है। फर्स्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिविन क्या क्या है। हमें गिविन है इन द ट्रायंगल ABC, AD इज मीडियन एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये हमें गिविन है। एंड टू प्रूव, हमें यहां पर प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीई डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें यहां पर प्रूव करना है। नाउ प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ए डी मीडियन दी गई है, तो मीडियन जो होती है वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यानी कि ए डी ने ये जो दो ट्राइंगल्स क्रिएट किए हैं ए बी डी एंड ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ये हम जानते हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस ए डी इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ओके, दैट मीन्स हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी डी है वो पूरे ट्राइंगल का हाफ है। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये कंप्लीट ट्राइंगल है एंड इसका हाफ करते हैं तो हमें यहाँ पर ये ए बी डी मिल गया है। ओके, सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ हमें यहाँ पर ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट दिया गया है, तो ये जो ए बी डी ट्राइंगल है इसके अंदर ये जो बी ई ड्रॉ की गई है, ये बी ई मीडियन का काम करेगी क्योंकि ई मिड पॉइंट है। ओके, तो इस ट्राइंगल के अंदर बी ई एक मीडियन हमें मिल गई है, तो मीडियन ने इस ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। दैट मीन्स ए बी ई ट्राइंगल का एरिया बी ई डी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस E is midpoint of AD, so it implies BE is median of triangle ABD। okay? तो यहां पर हम ध्यान दे सकते हैं कि हमारे पास ABD की median है, तो ABD triangle के अंदर ही हम सारा work कर रहे हैं, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 1 में भी ए बी डी को रिप्लेस नहीं किया है, हमने ए सी डी को रिप्लेस किया है। ओके, क्योंकि हमें ए बी डी की जरूरत आगे होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक मीडियन मिल गई है, तो मीडियन ने ए बी डी ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। ओके, एंड नाउ हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दो इक्वल ट्राइंगल्स हमें मिल गए हैं। दैट मीन्स ये जो बी ई डी है वो अपने पूरे ट्राइंगल ए बी डी का
हाफ के इक्वल है, तो हम यहाँ पर एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। ओके, तो इस एबीडी का हाफ है बीईडी। ओके, एंड नाउ एबीडी के एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2 एंड दिस इज 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमने यहाँ पर यूज की है इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए हमने एबीडी को रिप्लेस कर दिया है एबीसी से। ओके, तो यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड इधर है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीई डी। ओके, यही हमें फाइंड करना था कि ए बी सी जो पूरा ट्राइंगल है इसका 1/4 करने पर बीई डी ट्राइंगल का एरिया हमें मिल जाता है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक स्टेटमेंट का इस क्वेश्चन में यूज किया है, जो कि है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसके अंदर हमने मीडियन ड्रॉ की है तो वो मीडियन उस ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। ये स्टेटमेंट इस चैप्टर 9 के एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रूव किया गया है, उसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।